इलेक्शन कमीशन ने रियासती काबीना के इजलास के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी, जिसके बायस आज दोपहर मुनक्किशुदनी काबीना का इजलास मुनक्किद नहीं हो सका। बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़रा ने हफ्ते की शाम तक इलेक्शन कमीशन की इजाज़त का इंतज़ार करते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। ज़राए ने बताया कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ वरंगल, खम्मम, नलगुंडा के ग्रेजुएट ज़मरे के काउंसिल की एक सीट पर 27 मई को रायदही होने वाली है, जिसके पेश नज़र रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने रियासती हुकूमत की इस दरख्वास्त पर कोई रद्दअमल नहीं दिया, जिसमें हुकूमत ने रियासत की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए काबीना का इजलास मुनक्किद करने की इजाज़त मांगी थी। बताया गया कि चीफ मिनिस्टर के अलावा बेशतर वज़रा ने आज दोपहर में ही सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, जहां वो शाम 7 बजे तक इलेक्शन कमीशन की इजाज़त का इंतज़ार करते रहे। तमाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब मौसूल ना होने की वजह से शाम 7 बजे के बाद काबीना का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया और चीफ मिनिस्टर के अलावा वज़रा सेक्रेटेरिएट से चले गए। इसी दौरान बाज़ वज़रा ने बताया कि पीर तक इलेक्शन कमीशन की इजाज़त का इंतज़ार किया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं मिलता है तो ऐसी सूरत में चंद वज़रा दिल्ली का दौरा करते हुए मरकज़ी इलेक्शन कमिश्नर से शख्सी तौर पर नुमाइंदगी करेंगे और काबीना के इजलास के इनेकाद की इजाज़त देने की दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि रियासत में कई अहम मसाइल ज़ेरे गौर हैं, जिनमें ज़रई कर्ज़ों की माफ़ी, धान की खरीदारी, खरीफ सीज़न की मनसूबाबंदी, गैर मौसमी बारिश से हुए फसलों की तबाही और दीगर अहम उमूर पर काबीना में तबादला ख्याल करना ज़रूरी है।